अच्छा रहता है, क्योंकि मैं थोड़ी ऊंची बात करने का आदि ज्यादा, सर ने थोड़ा हिंट भी दिया था। और मैंने कहा नहीं आप बोलिए, तो हमने कहा देखिए ये शब्द बड़ा अच्छा है, आप गांव में जाएंगे मेरे साथ चलिए। मैं उन दिनों में हरियाणा में एक लड़कियों के विश्वविद्यालय में एडवाइजर था, यहाँ से 110 किलोमीटर। मैंने कहा आप जब गांव में जाएंगे तो आप कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे इस अंग्रेजी शब्द की वजह, क्योंकि अंग्रेजी तो कोई समझता नहीं, और मल्टी बहुभाषा, वो कहीं अच्छा हाँ तो हमारी बहु बोलती है, बहुभाषा बहुधर्म बहु ये बनाया हुआ शब्द, घड़ा हुआ, घड़ा हुआ जो शब्द होता है उसका जो भाव होता है वो हम ग्रहण नहीं करते, तो है नहीं। फिर आप कहेंगे नहीं भैया देखो हमारे देश में आपके गांव में भी बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बोले हाँ जी, बड़ी भाषाएं बोलते हैं हाँ जी, बहुत वर्णों के हैं हाँ जी, बहुत जातियों के हैं, कोई अहीर है कोई जात है हाँ जी। फिर आप कहेंगे ये तो बहुत प्रॉब्लम है, उनका क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, वो तो रहते वो सब तो रहते, पर हमने प्रॉब्लम बना ली, नहीं तो सेमिनार किस पे करेंगे, फंड कहाँ से आएंगे, लंच कैसे होगा, अध्यक्ष कैसे बनेगा, अध्यक्ष का अर्थ है हमको अधिअक्ष, जिसकी आंखें ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा देखता है ज्यादा समझता है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था एमबी तो हम सबने लगा रखी है, तो हम सारी चार चार आंखों वाले हैं, तो सबको ज्यादा दिखता है, तो हम अध्यक्ष कैसे, ये उनकी कृपा है। शायद मैं व्योवृद्ध तो हूँ ही, चाहे ज्ञान या धर्म वृद्ध नहीं हूँ, पर व्योवृद्ध तो हूँ ही, आयु में ज्यादा हूँ, तो इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बिठाया। अब देखो बेटा हम आपको कुछ अपना आप बीती अनुभव बताते हैं, अनुभव की बात है। जैसे हम एक दिन उसी गांव में जा रहे थे यूनिवर्सिटी की, जहाँ तो पुल पे बड़ा जैम था, तो हमने किसी एक भाई को 55 साल के करीब होंगे जाट, हमने कहा भाई साहब हमको खानपुर कला जाना है, तो ये तो बंद है रास्ता, कोई और रास्ता है। बोला जी मैं तो अनभिज्ञ हूँ, अनभिज्ञ हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ। तो देखिए अनभिज्ञ, आपका संस्कृत शब्द अनभिज्ञ 2013 में एक हरियाणा के गांव में तद्भव रूप में वैसे का वैसा चल रहा है। जो शब्द आपके, जो शब्दावली किसी समय आपके ग्रंथों में थी, और वो परिभाषिक शब्दावली थी, परिभाषिक जिसके अर्थ उस शास्त्र के संबंध में प्रसंग में ही अर्थ बनते थे, वो शब्द आज साधारण जन साधारण की भाषा में साधारण शब्द है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ, पाणिनी तो सब नाम देते हैं, सबने लेते हैं, अब पाणिनी पंजाबी था मेरी तरह, लोग मानते हैं पंजाबियों को ज्यादा दिमाग कम होता है, अब जैसे अर्जुन ही था भगवत गीता में, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ज्ञान ज्यादा अच्छा है कि कर्म ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने भगवान से कहा कि आप तो कभी कहते हो ज्ञान अच्छा है, कभी कहते हो कर्म अच्छा है, एक बात बताओ, आपने भगवत गीता तो पढ़ी होगी। जब उन्होंने उत्तर दिया तो और भी कंफ्यूज कर दिया, अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों में भेद नहीं है। अब उसका ऐसा महाराज ये छोड़ो, आप मुझे विराट रूप दिखा दो, क्योंकि ये सूक्ष्म बातें मुझे समझ नहीं आती, परंतु पाणिनी वाली था, इन्होंने वाली को जिक्र किया, जिनके नाम पे बल्क शब्द बना, बल्क का शहर बना, वाली था, और वालिकों को उस समय में वैसे ही माना जाता था जैसे आजकल जाटों को मानते हैं, कई बैल होते हैं, उनकी अकल कम होती है। उस जाति में पाणिनी पैदा हो,
और इत सिंह चाइनीज ट्रैवलर 1000 AD में उसके गांव गया शारातुर में और उसने कब से लिखा है कि इस गांव में हर व्यक्ति बालक भी भैया करने ग्रामीण ऐसी प्रतिभा वाले लोग। आप तो एक तो मैंने आपको शब्द का ये अनुभिज्ञ का एग्जांपल दिया, एक और देता। पहली बात, आप तो संस्कृत के विद्यार्थी भी हो विद्वान भी हो कि पाणिनी ने कहीं नहीं कहा कि मैं संस्कृत का व्याकरण लिखा, उसने कहा मैं भाषा का और छंदस का व्याकरण लिखा। ठीक कह रहा हूं भैया, आप तो संस्कृत वाले हो, वो भाषा पतंजलि बताते हैं ये बात, वो तो कुछ भी नहीं कहते, पतंजलि बताते हैं कि वो भाषा और छंदस, क्योंकि 8वें अध्याय के 3 जो अंग कांड है वो छंदस पे है, छंद वाली भाषा पे। छंदस से उनका मतलब है वेदों की भाषा, क्योंकि वेद छंद छंदोमय है, तो जो छंदस है मतलब जो भाषा बोलचाल में है वो तो है भाषा, क्योंकि आप तो जानते हैं भाषा भाष धातु से बनता है और भाष धातु का अगर आप ध्यान से मतलब समझे तो भोकना अर्थ होता है, व्यर्थ में बोलना, आवाज करना, नुमाइश करना। हम लोग भी ज्यादा जब बोलते हैं तो भाषा ही बोलते हैं, जब थोड़ा उसमें कुछ कहने को होता है तो वो वाक बन जाता है, वचन बन जाता है, जब उसमें दूसरों को प्रसन्न करने की शक्ति होती है तो वो वाणी बन जाती है। पर भाषा का व्याकरण आप बताइए, मैं तो जैसे आपके बताया पंजाब का ही हूँ और वहाँ मैं यूनिवर्सिटियों में सरदार भाइयों को, मैं खुद भी आधा सरदार ही हूँ, बताता था कि देखो भैया, जिसको लोग संस्कृत कहते हैं वो पुरातन पंजाबी है। अब आप जरा विचार करिए, ऐसे ना तो कह दीजिए क्योंकि ये तो पंजाबी है तो कह रहे हैं, क्योंकि आपका जितना आपका अशोक घोष कहाँ था, अफगानिस्तान में, आपका चरक कहाँ था, अफगानिस्तान में, आपका पाणिनी कहाँ था, पाकिस्तान में, अफगान। अच्छा, ये जो नाम है और ये जो राजनीतिक सीमाएं हैं बाउंड्रीज, ये तो बदलती रहती है। अब 1947 से पहले पाकिस्तान तो भारत था और 16वीं शताब्दी में अफगानिस्तान का गवर्नर कौन था, जसवंत सिंह राठौर, जोधपुर का राजा, अफगानिस्तान का जिसको हम आजकल अफगानिस्तान कहते हैं उनका गवर्नर था। जितने प्रदेश है उस तरफ पश्चिम में सबकी एंडिंग में स्थान है, स्थान क्या है, स्थान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कंठ, बनासकंठ, ताशकंठ, ताशकंठ बन गया, बन गया। तो बेटा ऐसा है कि जिस भाषा को अंग्रेज लोगों ने डेड कह दिया और हमने तो सोचना बंद कर रखा है, हम तो लोग गुरु जी कहते हैं कि ये डेड है, हम कहते हैं हाँ जी ये तो मृत भाषा है, भाषा मृत नहीं है, हम मृत हैं, जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो मरे हुए। भाषा को जीवन जीवंत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी एक जानकार जिक्र सुनाया, मैं आपको एक पंजाबी एग्जाम्पल देता हूँ। आदि शंकराचार्य जी ने भूले भटके कह दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अब उन्होंने मिथ्या कह दिया, अब अंग्रेजों ने पकड़ लिया मिथ, उनके एक शब्द चलता है मिथ, और मिथ का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी, अनरियल स्टोरी, जिसमें सच्चाई नहीं है। तो वो तो देखो शंकराचार्य खुद कह रहे हैं ये जगत जो है इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तथ्यात्मक तो है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है, मिथ है, खत्म है।
अब देखिए इतना एक उनकी उनका इल्यूजन शब्द लगाया उन्होंने, इल्यूजन। और हिंदुस्तानियों ने, क्योंकि देखिए सर ने भी कहा हमारे देश में बड़ी बड़ी विभूतियाँ, मैं गिनाने लगूँ, दुनिया की सबसे पहली कविता यहाँ रची गई, प्रोज यहाँ लिखी गई, अरिथमेटिक की पहली किताब यहाँ बनी, एस्ट्रोनॉमी की किताब यहाँ बनी, सोशोलॉजी की किताब सबसे पहले यहाँ बनी, वो आप गिनते जाइए, परंतु वो कोई और लोग थे। आज का जो हिंदुस्तानी, आप और हम जो हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने 200 साल 500 साल में कुछ नहीं किया, कंप्यूटर आ गए, सब जगह लग गए, दुनिया भर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी पाणिनि के व्याकरण की नकल नहीं कर सका, कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान का सृजन व्यक्ति नहीं करता, ज्ञान को भोले बाबा, देवी माँ, आपको पता होगा रामानुजन का नाम सुना होगा, मैथमेटिशियन 19वीं शताब्दी का, जो कि मैट्रिक भी पास नहीं किया था, एक प्रोफेसर हार्डी थे कैम्ब्रिज के मैथमेटिक्स, वो आए, उन्होंने उसकी कॉपी देखी, उसमें उसने कुछ ऊपर प्रश्न लिखे हुए और नीचे उसके उत्तर लिखे हुए, वो बड़े चकित हुए, अरे ये प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स की इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी सूक्ष्म, ये तो हम अभी तक नहीं सॉल्व कर सके, और इसने तो उत्तर लिखे हुए, और वो उसको ले गए वहाँ। बहुत छोटी आयु, जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनको थोड़ी उम्र मिलती है, हमारे जैसे वो बहुत मिलती है, बोलते रहो है, तो वो थोड़ी आयु में चले जाते हैं। उसको उन्होंने पूछा रामानुजन, तो तुम्हें ये उत्तर कैसे निकालते हो? तो बोला, उत्तर तो मुझे मेरी नींद में जब मैं सोया होता हूँ तो देवी माता आके जवाब बताती, देवी बताती। अब अगर सुनिए, अपने मोदी जी गए थे ओबामा के पास 9 दिन पानी पी गए, डराते रहते हुए पानी पी गए। हमारे यहाँ जब आजकल कोई उपवास करता है, अगर सोमवार का उपवास है तो रविवार को ज़्यादा खाएगा कि कल उपवास है, फिर मंगलवार को खूब खाएगा कि कल उपवास था, और जब हमारे लोग हवाई जहाज में बैठते हैं तो बैठते ही पहला काम क्या करते हैं, जब हवा में चला जाता है उसको बुला के कहते हैं विस्की लाओ, और मोदी जी 9 दिन अमरीका में पानी पी के और चवन पीछे, तो ओबामा के साथ रात को 2:30 बजे तक रहे। उसने उनसे पूछा कि ये शक्ति ताकत कहाँ से आती है, अब ये देखिए, ये आप बच्चे जब देखिए, आप जब कभी कोई आपके मन कोई उलझन होती है या कोई आपके कोई विषय है समझ नहीं आ रहा, आप सारा दिन सोचते हो, बहुत सोचते हो, किताबें भी पढ़ते हो, छोड़ देते हो, अचानक कई बार जब आप पढ़ नहीं रहे, सोच नहीं रहे उस पर, या नींद में हो, आपको सडनली उसका जवाब सूझता है, अरे ये तो ये है, ये क्या है। इसे भरतरी जी ने कहा है अलौकिक प्रत्यक्ष या योगी प्रत्यक्ष या अलौकिक प्रत्यक्ष। तो ज्ञान का सृजन हमारे यहाँ आंखें खोल के नहीं होता, आंखें बंद करके होता। आप आंखें बंद करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखें खोल के नहीं। अब ऐसी हमारे में हीन भावना आ गई, मैं पहले वो एग्जाम्पल दे दूँ, पंजाबी में मेरी मातृभाषा है, ये मातृभाषा भी उन्होंने बना दी मदर टंग। तो मेरी वाइफ कहती है, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, मेरी माँ मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे,
वो सिर्फ पंजाबी बोलती थी मेरी माँ, और वो भी गुजरांवाला की पंजाबी, पाकिस्तान की। उनको दूसरी पंजाबी माझी अमृतसर की भी नहीं आती, क्योंकि बड़ी एंटी सोशल थी, किसी से बात नहीं करती थी। तो अब उनके साथ बातचीत करनी, तो मेरी मिसेज साउथ इंडियन इतनी बढ़िया पंजाबी बोलती है, पंजाबी के मुहावरे जो उन्होंने मेरी माँ से सीखे, वो कई बार उनको ऑटो नहीं मिलता छोटे डिस्टेंस का, तो वो सरदार जी को ढूंढती है, और सरदार जी को वो मुहावरा पंजाबी का बोलती है, और सरदार जी ऊपर से नीचे देखते हैं कि ये तो यहाँ पंजाब की है ही नहीं। अब बैठो बहन जी बैठो, कहाँ जाना है, क्या है? जो कहती वो कहती है मदर मदर टंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मदर इन लॉ टंग इम्पोर्टेंट। आपको ये भी उनकी एक भावना है, हमारी नहीं है। देखिए हम लोग भाषाओं के ऊपर कभी बटे नहीं रहे, हम लोग जातियों, आपको पता हमारे देश में कितनी जातियां हैं? 1,67,000, 1,67,000। अब आप उनको पटेलों को दे दीजिए, जाटों को दे दीजिए, 1,67,000 लोगों को आप आरक्षण दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ दे दीजिए, फिर एक पोस्ट के लिए वैसे ही 1,00,000 आदमी खड़े होंगे, तो वही हालत हो जाएगी जो अब है, वही हो जाएगी जो अब है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करना हो तो उसका जीनिफिकेशन कर देना चाहिए। जीनिफिकेशन, जीनिफिकेशन समझते हो? 1980-82 में जो सिंगापुर जाता था तो उसके नेबर वाले भी कहते थे कि जरा जीन्स लेते हैं, अब जीन्स को सब पहनने लग गए, और जो ऊपर वाले लोग हैं समाज के उन्होंने जीन्स छोड़ दी, उन्होंने कॉटन पहननी शुरू कर दी, खादी पहननी शुरू कर दी। अंग्रेजी का प्रचलन इतना हो गया कि अब ऊपर वाले लोग हिंदी बोलने लगे भाषा में, आपकी एडवर्टीजमेंट्स मीडिया में हिंदी का प्रयोग होने लग गया है ना, महाबोर करते हो आप, महाबोर महाबोर हो गए। तो ये पंजाबी में एक धातु है, क्रिया है, मिथना, मिथ मिथ धातु है पंजाबी। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, कई बार अगर मैं कुछ सोच के परेशान हो जाता था तो वो मुझे कहती थी आपको पंजाबी समझ नहीं आएगी, मैं पहले अपने स्कूल दूंगा, पर आनंद उसी में है कि पैरिया तू की मिथ्या तो दुखी हो गए, तो वट हैव यू कंस्ट्रक्टेड इन योर माइंड दैट यू आर बिकम सैड। मिथने का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, एंड वट आदि शंकराचार्य मेंट वाज के ब्रह्म सत्य परंतु जगत जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने जगत की रचना खुद करता है। हम एक ही चीज, आप एक ही चीज, यही डेस्क 10 लोगों से पूछ लीजिए, कोई कहेगा बहुत अच्छा है, भाई साहब कहेंगे ये तो छोटा है इसमें डायरी नहीं आती। एक में कोई भी चीज हम उस पर एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि हर में दृष्टि भेद है, और जगत की रचना दृष्ट जगत की रचना है, दृष्टि की, अदृष्ट की रचना नहीं होती। अदृष्ट जगत जिसको आप क्या प्रतिभासिक सत्ता के आगे तत्वार्थिक सत्ता, फिर परमार्थिक सत्ता, वहां तक तो पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं। हम लोग तो दृष्ट जगत की रचना करते हैं, और ये जो सुख दुख है, सुख दुख है, ये हमारे बनाए हुए जगत में है, सृष्टि में नहीं है, सृष्टि में भेद नहीं है। वहाँ अगर अगर एक चिड़िया भी, चिड़िया की भी मृत्यु होती है, चिड़िया भी गिर जाती है, या एक व्यक्ति गिर जाता है, या एक महापुरुष गिर जाता है, वो एक जैसी घटना है, उसमें भेद नहीं है। तो मिथना तो एक धातु, अब संस्कृत
आपको हिंदुस्तान की किसी भाषा में ये धातु नहीं मिलेगी, संस्कृत में मिलेगी और पंजाबी में मिलेगी। और अंग्रेजी में इसलिए कि इंडो यूरोपियन जिसको उन्होंने कहा भारतीय भाषाएं, कहने की जरूरत नहीं थी, आपको याद होगा वियना एक की एक बार भारतीय बना दिया। सारा डेटा वैदिक संस्कृत का है, पर वो संस्कृत को क्योंकि ऊपर नहीं रखना चाहते तो उन्होंने भाषा ऊपर उसके और बना दी इमेजिनरी, उसके ऊपर ऐसे काटा लगा देते हैं, यहाँ से ये भी निकली, ग्रीक भी निकली, संस्कृत भी निकली। या भी भूगोल का देखिए, मैं सर 5 मिनट इसलिए कि मैं विषय ये होगी, मैंने पहले आपको बताया केपीएस गिल का नाम